द लकी हैप्पी गर्ल यानी कि जोया आ चुकी है अपना फैक्टर लेकर, यानी कि जोया फैक्टर आ चुकी है फाइनली। ट्रेलर आउट हो चुका है, धमाकेदार ट्रेलर है। डीएस की जोड़ी यानी कि दुलकर और साथ ही साथ सोनम, दुलकर सलमान, दुलकर सोनम, साउंड सेम बट हाँ, बहुत रिफ्रेशिंग केमिस्ट्री लग रही है। मुझे पर्सनली ट्रेलर बहुत पसंद आया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपको लक, हार्डवर्क, डेस्टिनी, ये सारी चीज़ों की एक तरीके से डेफिनेशन मिलेगी। कौन किसके लिए कितना लकी साबित हो रहा है ये ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है, लेकिन फिल्म का इंतजार रहेगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले जानते हैं मीडिया की राय कि उन्हें ट्रेलर कितना पसंद आया। तो कितना ज़्यादा लकी लगा आपको ये जोया फैक्टर? सोनम को देखकर तो लगता है कि हाँ शायद मूवी चल जाएगी, लाइक ऐसे जॉनर में उसने पहली बार ट्राई किया है, तो मूवी में बहुत सारे फन एलिमेंट्स है और ये जो है वो कहीं ना कहीं रियलिटी बेस्ड है, तो आई होप ऑडियंस को पसंद है। बहुत लकी लग रहा है, लगता है अब सोनम कपूर इस बार छप्पर फाड़ कमाई करने वाली है उनकी फिल्म और बहुत ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और दिलकर और सोनम की जोड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो बहुत लकी लगा मुझे सोनम को इस अंदाज में देखना, और पहली बार इस अंदाज में देखना, बहुत लकी साबित होने वाला है ये, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेकर। देखिए मैं आचार्य अनु पंडित एस्ट्रो योगी से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और देखो 27 को ट्रेलर लॉन्च होने वाला था, आज एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 29 को किया गया। तो पूरा होप है कि जो है काफ़ी बिग हिट होगी, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बिग हिट होना चाहिए। अगर मैं दोनों की केमिस्ट्री की बात करूँ, दुलकर और सोनम कैसे लग रहे थे दोनों? डीएस सोनम के ऑपोजिट अभी जो है वो इतने हैंडसम है कि लाइक पहले तो उन्हीं पर नजर जाती है, लेकिन सोनम ने छीन लिया उनका लाइमलाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है उनकी केमिस्ट्री, पहली बार दोनों साथ में आ रहे हैं तो बहुत ही फ्रेश कपल लग रहे हैं। तो सोनम काफ़ी सारे नए एक्टर्स के साथ भी काम करती हैं, सिर्फ वो खान्स के साथ ही लिमिट नहीं हो जाती, नए एक्टर्स के साथ भी काम करती हैं, तो इट्स वेरी नाइस टू सी हर विद समवन न्यू। एक फ्रेश पेयरिंग देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर दोनों की जोड़ी की बात करूँ तो पेयरिंग बहुत यू नो कि जब भी सोनम किसी के भी साथ कैरेक्टर प्ले करती है तो किसी भी रोल में वो फिट हो जाती है, तो उसी तरीके से वो पूरी फिट आ रही है वो एक्टर के साथ। मतलब ज़्यादा लकी तो नहीं बोल सकते बट दी जोया फैक्टर जो नाम है दी जोया फैक्टर त थ द ध न जो शब्द जो स्वर आता है हाँ द जो सोया फैक्टर वो क्या है बुध को दर्शाता है, और आज जो लॉन्च हुआ है कृष्ण चतुर्दशी है और हाँ नहीं थर्सडे है आज। आप देखेंगे कि आप जो है इंटरव्यू में सोनम कपूर के बृहस्पति और बुध क्या जो है दिखता है, उनका जो कम्युनिकेशन है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत अच्छा है इन कंपेरिजन टू दुग्गल जो मैं तो पहली बार देखा उनको जो है हाँ दुग्गल ना सलमान दुग्गल दुलकर दी जोया फैक्टर मेरे हिसाब से जो है अच्छा जाना चाहिए, हिट जाएगी। जैसा कॉन्सेप्ट है फिल्म का यू नो लक के ऊपर बेस्ड है, तो पर्सनली आप कितना बिलीव करती हैं लक में या फिर डेस्टिनी में या फिर यू नो किसी को लकी चाम मानने में? मैं तो लक में बिलीव नहीं करती, लेकिन हाँ जैसा सोनम ने कहा था कि डेस्टिनी में ज़रूर बिलीव करती हूँ, सो लेट्स सी। लाइक कहीं कहीं जगह ऐसा हो जाता है कि हाँ लक मैटर करता है, लेकिन वो रहता है ना कि शायद मतलब जो दिखा रहता है वही पर या मैं लक में बहुत ज़्यादा तो बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो चीज़ें होती है उसमें मैं बिलीव करती हूँ। और फिल्म के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है? फिल्म के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत अनकन्वेंशनल टॉपिक पर बनी है फिल्म। ऑल दो घर घर में तो हर किसी का कोई ना कोई लकी चाम होता है जब भी क्रिकेट की बात की जाए, लेकिन अब फिल्म कितनी लकी होने वाली है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चले। तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहेंगे इस ट्रेलर को, और फिल्म के लिए कितनी एक्साइटमेंट है? फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और अगर आउट ऑफ 5 की बात करें तो मैं इस फिल्म को 3 स्टार देना पसंद करूँगी। थैंक यू। 3 स्टार्स देना चाहेंगे इस ट्रेलर को। आपको ट्रेलर कितना पसंद आया? ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं 5 out of 5 मैं क्या बोलते हैं जो है 4.8 देना चाहूँगा। 4.8 ये भी कुछ सोच के आपने दिया या ऐसे ही 4.8? नहीं, ऐसे ही मेरा दिमाग कहा कि 4.8 देना चाहिए तो मैंने